जानलेवा सरकारी सिस्टम की, जिसने 23 साल के सचिन शर्मा की जान ले ली है। ये मामला है राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल SMS का, जहां सचिन सबसे बड़ी लापरवाही का शिकार हो गया है। उसी लापरवाही का जिसे आपने, आपके परिवार ने या जानकार ने इलाज के दौरान कभी ना कभी झेला होगा। बदकिस्मती से इस बार सचिन ने उसे झेला। एक्सीडेंट में घायल हुआ था सचिन और यही लापरवाही उसे उसकी जान पर भारी पड़ गई। आपको बता दें कि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया सचिन शर्मा को, उससे उसकी तबीयत खराब हुई। SMS हॉस्पिटल में दोनों किडनियों ने फिर काम करना बंद कर दिया और वही हुआ जिसका डर था, सचिन अब दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ये अस्पतालों में, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में बदस्तूर जारी सिस्टम की लापरवाही है कि कहीं नहीं जाती। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टरों, मेडिकल कर्मचारियों की लापरवाहियां वहीं डेरा जमाए रहती हैं और मरीजों को उसका शिकार बनाती हैं। ये वही SMS हॉस्पिटल है जहां नई सरकार बनते ही खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सबसे पहले शुरुआती दौरों में वहां दौरा किया था और ढिलाइयां देखी, अव्यवस्थाएं वहां देखी और नाराजगी जताई। सुधार करने के निर्देश भी दिए थे CM ने, लेकिन नतीजा या हकीकत हमारे सामने है, 23 साल के सचिन शर्मा की मौत। आखिर कब सुधरेगा ये सरकारी मेडिकल सिस्टम, कब थमेगी लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ की हरकत, इसी पर बात करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे सरकारी पक्ष भी हमारे साथ मौजूद हो। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाएंगे कि क्या पूरा मामला है। सोमू आनंद मेरे सहयोगी जयपुर से मौजूद होंगे अस्पताल से, और मेडिकल एक्सपर्ट भी होंगे, BJP के स्पोक्स पर्सन भी हमारे सामने होंगे। पूरा मामला क्या है पहले आप समझ लीजिए। एक्सीडेंट हुआ था कोटपुतली में, सचिन शर्मा का रेफर किया गया जयपुर, डॉक्टरों ने ब्लड मांगा, परिवारजनों ने ब्लड लाकर दिया, लेकिन डॉक्टरों ने गलत ब्लड चढ़ाया, युवक की तबीयत बिगड़ने लगी, दोनों किडनियों ने फिर काम करना बंद कर दिया। सबसे पहले सीधा सोमू का रुख कर लेते हैं जहां मौके पर मौजूद हैं। सोमू, निश्चित रूप से एक पूरी तरह से झकझोर देने वाली ये घटना है, ना सिर्फ मानवता को बल्कि चिकित्सक के पेशे को भी। मेडिकल नेग्लिजेंस का एक और उदाहरण और पूरे सिस्टम की इसने पोल खोल दी है। सचिन शर्मा चला गया है, लेकिन ये मेडिकल लापरवाहियां कहीं नहीं जाती हैं। बिल्कुल मनीष, ये बहुत दुखद घटना है और सबसे बड़ी बात कि SMS अस्पताल की जिस तरह की प्रतिष्ठा है और जितने दूर दराज से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं, ऐसे में इस तरह की बड़ी लापरवाही की घटना जो है वो कई सारे सवाल खड़े करती है। अभी देखिए आपकी, जब सुबह सचिन की मौत हुई उसके बाद से परिजनों ने मुआवजे की, नौकरी की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, और उसके बाद जो हवा महल से विधायक हैं और उसके साथ साथ सिविल लाइन से विधायक और बांदीकुई से विधायक, सभी विधायक यहां पहुंचे, परिजनों से बातचीत की, जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, अस्पताल प्रशासन से बातचीत की, और उसके बाद अभी मामले में FIR दर्ज की गई है। हमारे साथ जो परिजन हैं वे भी मौजूद हैं जो एक बहुत बड़ा दुख झेल रहे हैं। आपका कष्ट बहुत बड़ा है, हम सब समझ सकते हैं, लेकिन क्या हुआ था और अब जो आप लोगों की मांग पर FIR दर्ज हुई, उसके बाद अब अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? सर जी, बाद वहाँ से कोटपुतली में एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से 11 तारीख को यहाँ भर्ती करा दिया। उसके बाद में इन्होंने ब्लड कुछ इनका चेंज हुआ है, उसके किडनी खराब हो गई, किडनी फार्मास सुबह खत्म हो गया। आप लोगों को बताया गया कि ऐसा कुछ हुआ है कि दूसरा ब्लड? नहीं, बाद में बताया, जब 3 दिन पहले इनको मालूम पड़ा ना, जब दूसरा ब्लड के लिए ग्रुप भेजा, जब वहाँ गए ब्लड उसमें, क्योंकि इसका तो ये ओ आ रहा है, वो प्लस आ रहा है, वो प्लस आ रहा है। बिल्कुल सोमू, वहाँ पर आपके सामने विधायक भी मौजूद हैं, आपके साथ बाल मुकुंदाचार्य मौजूद हैं, अब जरा उनसे जवाब लीजिए कि ये जो सिस्टम सुधारने को लेकर कांग्रेस की जो सरकार में दुश्वारियां बताते थे जनता के साथ में, उस सिस्टम को ठीक करने को लेकर सरकार में आए थे, क्या ये ठीक करेंगे? कैसे हुआ? ठीक है, नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आपने कहा था आप सिस्टम दुरुस्त करेंगे, चीजें ठीक करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, कैसे निपटेंगे? सबसे पहले तो आपको ये संज्ञान में होगा कि CM साहब CM बने, बनने से पूर्व SMS आए, SMS का दौरा किया, पूरा उन्होंने SMS का चेक किया, जो गलत थे उसके बारे में टोका रोका और इसको ठीक करने का उन्होंने
ये माने कि हम तो संवेदनशील है, चिंतित हैं इस बात के लिए, और SMS अस्पताल और हमारे राजस्थान के सरकारी अस्पताल, हमारे बड़े बड़े जितने अस्पताल हैं, SMS लाइफ लाइन है राजस्थान की, पूरी दुनिया से लोग इलाज कराने आते हैं, राजस्थान में पूरे भारत से लोग इलाज कराने आते हैं साहब, SMS का इलाज बेस्ट है तभी यहाँ आते हैं। दूसरा विषय है कि यहाँ पर ये दुर्घटना घटी, बहुत पीड़ाकारक है, कष्टकारक है, पूरे परिवार के साथ संपूर्ण लोग साथ हैं, बांधवगढ़ विधायक कहीं बाहर गए हुए थे, तुरंत यहाँ मौजूद हो गए, क्षेत्रीय हम जो विधायक हैं हम यहाँ इनके साथ हैं, दोबारा न घटित हो उसके लिए हम लोग उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, कुछ लोग जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, FIR दर्ज, उसका कागज हाथ में है। कितने लोगों को सस्पेंड किया गया है? इसमें जो नर्सिंग स्टाफ था नीचे के, जिनकी जिम्मेदारी रहती है, वो लोगों को सस्पेंड किया है। पूरे डिपार्टमेंट में जांच होने के पश्चात जो जो निर्धारित होंगे उन लोगों को सबको सस्पेंड किया जाएगा, ये शुरुआत हो गई है आज से, और सिस्टम में गड़बड़ी दोबारा कभी ना हो उसके लिए तुरंत प्रभाव से कमेटी गठित कर दी गई है कि पुनरावृत्ति इसकी दोबारा कभी घटना ना घटे, और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी से काम हो उसकी भी तैयारी पूरी कर दी गई है, साथ में रही परिवार के साथ, पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार साथ है, और परिवार साथ होने के नाते इनके साथ, जिन्होंने कहा संविदा नौकरी का है, भरपाई तो नहीं कर सकते, ठीक है परिवार के लिए आवश्यक है, संविदा नौकरी का है वो होगा, मुआवजा है जो अच्छे से अच्छा मुआवजा होना चाहिए वो मुआवजा भी होगा, और जहाँ भी तकलीफ आएगी उसके लिए, जैसे ये बात पता चली, स्पीकर ऑन था, परिवारजन मेरे साथ में थे, वहीं से MLA साहब से बात हुई बांदी कोई वालों से, उन्होंने वहीं स्पीकर पे कहा कि मैं परिवार के साथ हूँ, मैं काफ़ी दूर हूँ लेकिन मैं पहुँचूँगा, ये वहाँ से तुरंत प्रभाव से यहाँ आ गए, तो ये माने कि हम लोग पूरा परिवार साथ है, और SMS में घटना घटी है तो उसकी जांच भी हो रही है, और कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, और दोबारा नहीं होगा उसके लिए भी तैयारी कर दी गई है। एक अहम सवाल था संविदा पे, नौकरी की मांग थी, लौटेंगे आपके पास, और उसके साथ ही साथ इस बात की मांग, मुआवजे की भी मांग, मुआवजे की बात मांग थी, सरकार तक बात पहुंचा दी है, आप लोग मुआवजा दिलाएंगे ना? आप बिल्कुल पक्का मुआवजा दिलाएंगे, मुआवजा मिलेगा, सिस्टम की सख्त से सख्त। तो देखिए मनीष, दोनों विधायक कह रहे हैं कि मुआवजा भी मिलेगा, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी, और संविदा पर नौकरी दिलाने का भी भरोसा परिजनों को दे रहे हैं। बिल्कुल लौटेंगे सोमू, लौटेंगे। बालमुकुंदाचार्य कह रहे हैं कि दोबारा नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पहली बारी क्यों होना चाहिए था, जब CM बनने के बाद खुद दिसंबर के आखिर में भजनलाल शर्मा पहुंचे थे, और उन्हें मालूम है अस्पताल का औचक निरीक्षण उन्होंने इसीलिए किया था कि वहां पर गड़बड़ियां हैं, लापरवाहियां होती हैं, उसके बावजूद कितना सुधार हुआ ये इस बड़े मामले के रूप में सामने है। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत गोयल एक दर्शक मौजूद हैं, खुद डॉक्टर है, उनका रुख कर लेते हैं आप। जी हेमंत जी, अपनी बात रखिए, क्या ओपिनियन आपकी और क्या आपका व्यू है? देखिए मरीज जी, SMS हॉस्पिटल राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे भारत का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, MP से, UP से, हरियाणा से यहाँ पेशेंट आते हैं, और पेशेंट्स का बहुत बड़ा प्रेशर यहाँ के हॉस्पिटल डॉक्टर्स पर और स्टाफ पर रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो लापरवाही हुई है वो लापरवाही अक्षम्य लापरवाही है, और इस तरह की लापरवाही पहली नहीं है, आमतौर पर इस तरह की लापरवाहियां SMS हॉस्पिटल में होती रही है, लेकिन होता क्या है कि रूटीन जांच होती है और जांच लीपापोती कर दी जाती है और फाइल बंद हो जाती है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे सरकार से निवेदन करता हूं कि अब इस तरह की गाइडलाइन, इस तरह का एक एग्जांपल सेट हो जाए कि आगे इस तरह की गलतियां नहीं हो, क्योंकि आए दिन यहां पर ये बहुत आम बात है, तो ऐसी यहां पर व्यवस्था तैयार हो जाए जिससे इस तरह की अक्षम्य लापरवाही नहीं हो, या जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, केवल पैरामेडिकल स्टाफ को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर्स पर भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर्स निकल जाती हैं गलती करके। बिल्कुल 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 हेमंत जी, निश्चित रूप से ये आम जन की पीड़ा है कि जो जिन्हें पकड़ा जाना चाहिए वो बच निकलते हैं और केस जो है फाइलों में दब जाता है। एक और दर्शक कल्याण सिंह हमारे साथ मौजूद है, लगातार लोगों के बड़े फोन आ रहे, पहले लोगों की ओपिनियन, निश्चित रूप से आपकी अपनी राय जानना जरूरी है। जी कल्याण जी, रखिए अपनी बात संक्षिप्त में। श्रीमान जी, मैं NDTV के माध्यम से पब्लिक में ये बात रखना चाहता हूँ कि जब तक ये मेडिकल स्टाफ हो या सरकारी कर्मचारी हो, सरकार का जो डर नहीं रहेगा तो तब तक ये काम ही नहीं करते श्रीमान जी। जी मैं, और ये सिस्टम है कि उनको डर कोई किसी बात का ही नहीं है, सरकार का डर नहीं है किसी भ्रष्टाचार के बात में, जब ये सब लोग ब्लड एक दूसरे डॉक्टर होते हुए दूसरे का ब्लड चढ़ा देते हैं, जब गरीब परिवार उसके सामने कोई रहते नहीं है,
और सरकार उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, मेडिकल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सरकारी सिस्टम का डर नहीं है। बहुत शुक्रिया आप एनडीटीवी के साथ जुड़े। मैं सीधा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन पर जाना चाहूंगा। अब सुमानी जी, दर्शकों की सीधी ये ओपिनियन है, उनका खुद का अनुभव है। कल्याण सिंह कह रहे हैं कि सरकार का अधिकारियों में, मेडिकल कर्मचारियों में कोई डर नहीं होता है, उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है, और उसका नतीजा होता है किसी सचिन शर्मा की जान चली जाती है। आपकी सरकार इसलिए आई थी कि आप जो है सिस्टम को बदलेंगे। शुरुआती दिनों में ही भजनलाल शर्मा पहुंचे थे अस्पताल, इसी अस्पताल में, मेडिकल हॉस्पिटल में लापरवाहियां उन्होंने देखी थी। सुधार क्या हुआ वो आज आपके सामने है। मनीष जी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ली, उसके बाद 25 दिसंबर को जब एसएमएस का दौरा किया, तब औचक निरीक्षण था एसएमएस में जब किया, तब जब उस निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 2 से 3 स्टाफ की जो लापरवाही पाई गई, कोई अनुपस्थित मिले, तो उनको वहां तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे हालात के बावजूद एसएमएस में ऐसी दुर्घटना होना, ये बहुत बड़ी घटना है, जिसकी बड़ी दुखद घटना है। इस भारतीय जनता पार्टी बड़ा इस पे एक गहन दुखद व्यक्त करती है, और दुख व्यक्त करने के साथ आप मैं बताऊं, माननीय चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह क्यूंसर साहब ने कहा है कि इसके तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा विषय यह है कि सचिन शर्मा जो 23 वर्षीय है और अपने परिवार का इकलौता बेटा जहां तक जानकारी में है, और दूसरी स्थिति कि किस प्रकार से वहां वार्ड बॉय ने, टेक्निकल स्टाफ ने जो ब्लड ग्रुप चेंज करके दे दिया, उससे जो हालत पैदा हुए, जबकि ट्रॉमा सेंटर में जब गए, जब अलग था, और प्लास्टिक सर्जरी कराने गए तो वहां वो ब्लड ग्रुप चेंज हुआ, और काफी निरीक्षण के बाद जब ऐसी बात जानकारी में आई कोई अधिकारी होके, तो निरीक्षण के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन बड़ी दुखद है कि वो बचा नहीं पाए। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार, जो माननीय भजनलाल शर्मा जी की तरफ से जो भी सरकार की से मदद होगी इनको, वो मदद दी जाएगी, और अब जो व्यवस्था दुरुस्त हो इसके लिए एक बड़ी अति आवश्यक कदम है। ये हम सबके लिए बहुत दुखद विषय है कि किस तरह की ये खामी रही और किस किस जगह इसकी चूक हुई, किस तरह से वो ब्लड सैंपल की पर्ची गई, और पर्ची जाने के बाद कहां से वो ब्लड चेंज हुआ, किस तरह से इसे मॉनिटरिंग में खामी रही, और किन अधिकारियों ने इनको दबाया, और किस तरह से इस घटना पे आज इस प्रकार हो कि हम सचिन शर्मा को खो चुके, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसके पीछे किन कारणों से ये घटना हुई, उसके पीछे गहनता से जांच की जाएगी, और जांच करने के बाद सरकार उन दोषियों को बख्शेगी नहीं। किसी की जान की कीमत यहाँ पूरे राजस्थान में एक एक व्यक्ति की जान की कीमत है, और सरकार इस बात के लिए सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए, आप देखेंगे निरंतर, चाहे केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, इन बातों के लिए कि एक एक व्यक्ति को उसके अधिकारों की पूरी रक्षा हो, उसके सुरक्षा की। सुमानी जी निश्चित रूप से अब किसी उस घर का जो बुझा हुआ चिराग है, और जो जिस तरह से खबरें भी आ रही हैं, अभी पुष्टि नहीं है, कि इकलौता कमाने वाला था अपने परिवार में सचिन शर्मा, 23 साल का युवक था, एक बड़ा जीवन उसके सामने था, उसके परिवार की जिम्मेदारियां उसके ऊपर थी, घर वालों के सपने होंगे, लेकिन इस सिस्टम ने उस सचिन शर्मा ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के सपनों को, उनका भी एक तरह से कहें कि मर्डर किया है। ये जिस तरह की घटनाएं हैं, ये लापरवाही सिर्फ आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि अब इस पर जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि जहां सीएम पहुंचते हैं उनको मालूम है कि इस अस्पताल में लापरवाहियां होती हैं, इतना दबाव रहता है मरीजों का उस अस्पताल में, आम आदमी वहां जाने से घबराता है। आप भी अब ऑन कैमरा कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा, अगर आपके भी इलाज करने की जरूरत आए परिवार में, तो लोग कोशिश करते हैं एसएमएस हॉस्पिटल ना जाना पड़े, इस तरह की नौबत है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति भरोसा करता है राजस्थान में कि मेरा इलाज अगर मान लो गहन हालात में है, तो वो एसएमएस से भरोसा करता है, और एसएमएस की जो हालात है इसके बारे में लोगों का जो भरोसा है, वो उस भरोसे में कई बार खामियां पाई गई। जब उस खामियां पाई गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को शपथ लेते सबसे पहले एहसास हुआ कि वर्षों से जो एसएमएस में जो अव्यवस्था चली आ रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण अंचल से हैं और अधिकतर लोग ग्रामीण अंचल से हैं जो जयपुर में रह रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब यहाँ के इलाज कराते हैं, चाहे स्थानीय इलाज कराते हैं, तो एसएमएस की लापरवाही कई बार बहुत गंभीरता से। वही लापरवाही, 2 महीने का भी वक्त नहीं हुआ जब सीएम वहां खुद पहुंचे थे, सस्पेंड किया था डॉक्टर्स को, मेडिकल कर्मियों को, लेकिन नतीजा सचिन शर्मा की मौत के रूप में सामने है। हमारे साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी है, उनका भी रुख करेंगे। अंबिका साहब, मेडिकल नेग्लिजेंस एक बड़ा मुद्दा है इस देश में, और अब जब इस तरह के कहें कि सरकारी अस्पतालों को खासतौर पर देखें, तो अब सोमानी साहब, निश्चित रूप से एसएमएस बहुत बड़ा अस्पताल है, सिर्फ राजस्थानी, हरियाणा और यूपी तक के लोग और बाकी राज्यों के भी लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन जो ये नेग्लिजेंस है जिसके चलते लोगों की जान पर बनती है, 23 साल का एक लड़का दुनिया से चला गया, उस परिवार की पीड़ा समझे ही समझी जा सकती, बड़ा मुश्किल है उसका जो है उसको कॉम्पनसेट करना,
उसको सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता। कब थमेगी ये सिस्टम की लापरवाहियां? जी नमस्कार मनीष जी, शुक्रिया ये अवसर देने का एनडीटीवी पे। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली इन एनी हॉस्पिटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बहुत सीरियसली लिया जाता है, बिकॉज अगर आप स्टैटिस्टिक्स लें तो 80% ऑफ द टाइम्स जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं वो गलत ब्लड चढ़ने की वजह से हो जाती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ट्रूथ। एंड इसमें कॉम्पनसेशन एंड मॉनिटरी कॉम्पनसेशन ये तो बात की बात है, बट आई फील ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्पेशली क्रिटिकल केयर एरियाज में। एज आई सेड बहुत फैक्टर्स होते हैं इन चीजों में। हर अस्पताल में एक नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर स्टाफ रेशियो होता है आईसीयू में, फॉर एग्जाम्पल 1:2 या 1:3। अगर आपके स्टाफ मेंबर्स एडिक्वेट नहीं है उस क्रिटिकल एरिया को हैंडल करने में तो इनको डबल ड्यूटीज करवाई जाती हैं, ट्रिपल ड्यूटीज करवाई जाती हैं। तो अक्सर इनमें काफी देखा गया कि लापरवाहियां हो जाता है इनमें लापरवाहियां। एंड एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को चढ़ाने के लिए। बेसिकली वी कॉल इट अ 3 हायरार्की। तो ब्लड बैंक से सबसे पहले जो ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म जाता है उसमें पेशेंट के डिटेल्स, एज और ब्लड ग्रुप पहले मैच होती है, वहां पे रजिस्टर पे चढ़ता है। फिर जिस क्रिटिकल एरिया में ब्लड की जरूरत होती है, जहां रिसीविंग होती है, वहां नर्सिंग एंड क्लरिकल स्टाफ उस चीज को दोबारा जांच करते हैं कि वो मैच है कि नहीं। एंड इन द लास्ट जो डॉक्टर होते हैं आईसीयू के या ऑपरेशन थिएटर के या वार्ड के, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू चेक कि ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है इसका ब्लड ग्रुप सही है, एमआरडी नंबर सही है, पेशेंट का एज सही है। ये सारे होने के बाद जब डॉक्टर साइन करता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज होते हैं। एंड आई थिंक अगर एज आई डोंट नो कि इस पूरे मामले में अभी व्हाट आर द इंटरनल रिजल्ट्स, बट आई थिंक सारे जिम्मेदार हैं फ्रॉम ए टू जेड हु हैव ट्राइड एंड डन दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इशू। आई थिंक जान हमेशा इंडिया में मुझे लगती बड़ी सस्ती है, विच शुड नॉट बी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर आंबेकर, आप बतौर मेडिकल डायरेक्टर, आप खुद मैश हॉस्पिटल में हैं, एक तरह से कहें कि आप लंबा एक्सपीरियंस आपके पास है। एक सवाल जो दर्शकों के जहन में इस वक्त पे होगा, निश्चित रूप से ब्लड ग्रुप की ब्लड जो चढ़ाया जाता है उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है लोगों को अस्पताल में, और अक्सर ब्लड की कमी की समस्या से जूझना पड़ता है सही ब्लड ग्रुप तलाशने के लिए। इस तरह की घटनाएँ किस तरह का विश्वास कमजोर करती हैं मेडिकल सिस्टम के लिए लोगों में, उस पर मैं ओपिनियन आपकी जानना चाहूंगा। और आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा एरिया जिसमें कम से कम ये तो जीरो एरर होना चाहिए इसमें, उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही? बिल्कुल। सो कमिंग टू योर पॉइंट मनीष जी, आई थिंक दिस इज एज आई हैव बीन अ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट मूलचंद हॉस्पिटल आल्सो एंड प्रेजेंटली आई एम द मेडिकल डायरेक्टर एट मैश इन दिल्ली। आई थिंक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बहुत ही नो एरर मार्जिन के हिसाब से हमें इसको ट्रीट करते हैं, बिकॉज जो रिएक्शन टाइम होता है अगर उसमें अगर आप जान बचा पाते हैं या आप सिम्टम्स पकड़ में लाते हैं तो मरीज की जान बच जाती है। आईसीयू इज अ वेरी क्रिटिकल सेंटर, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग आई डोंट नो द स्टेटस की अगर पेशेंट बेहोश था, इंट्यूबेटेड था, तो उसमें जो सिम्टम्स हैं पता करने में भी उसमें भी टाइम लग जाता है। सो जो एलर्जिक रिएक्शन का गोल्डन पीरियड टाइम होता है पेशेंट को बचाने का, यू कैन लूज इट। आई थिंक इट इज अ फेलियर ऑफ द सिस्टम, इट इज अ फेलियर ऑफ द मेडिकल सिस्टम, इट इज अ फेलियर ऑफ एन इंटरनल सिस्टम कि अगर आपके हॉस्पिटल्स में स्टैटिस्टिक्स हैं कि आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के दौरान पेशेंट का देहांत हो गया है, देन यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली एज द मेडिकल बोर्ड, एज द मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, द इंटरनल रिव्यू की आगे से ये वाली जो लापरवाही हो कभी ना हो। हालांकि आई हैव टू गिव वन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कि कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सब चेक होने के बावजूद भी होते हैं बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज इन द सिस्टम, जो मैं इस समय आई डोंट वांट टू टेल टू मच इन द मेडिकल टर्म्स। ये तो ब्लड ग्रुप ही गलत चढ़ाया गया, इसमें तो निश्चित रूप से रिएक्शन होना था, ये तो ब्लड ग्रुप ही ओ पॉजिटिव चाहिए था और ब्लड ग्रुप दूसरा चढ़ाया गया है। इससे भयंकर लापरवाही तो हो नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रांसक्रिप्शन एरर है। एंड इसमें हम जनरली आई फील दैट द होल
whole team, from starting from the blood bank till the doctor in charge, has to be taken accountable for losing a young person or even an old person. Life is life, chahe wo ek young person ho, old person ho, it can be my father, your family. I think this is a negligence, and it should they should take strict actions against the whole team. Or is cheez ko, I think they should not throw it under the desk. I think isme chupane wali baat nahi hai, jo sach hai should come out to the public, and whatever the action has to be taken, and so that आगे के लिए ये जो स्थिति है दोबारा कभी नहीं आए कि हम लोग ऐसे डिस्कशंस पे टीवी पे आए. और आई डोंट थिंक वी शुड हैव सच अ सिचुएशन अगेन. एब्सोल्युटली, एंड हेड मस्ट बी रोल एक्चुअली ना, क्योंकि ये इस तरह का मामला है जिसको अंडर द टेबल दबाया नहीं जा सकता है. क्योंकि जैसा आपने कहा डॉक्टर साहब कि किसी के साथ भी हो सकता था, ये सचिन शर्मा के साथ हुआ, किसी के भी घर में, जैसा आपने कहा कि हमारे साथ, आपके साथ इस तरह की ये जो ये एक्सीडेंट है, इस तरह का इंसिडेंट, ये किसी के साथ भी हो सकता है. और लेकिन आप उस सिस्टम की जो मेडिकल सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की बातें सरकारी स्तर पर बहुत होती हैं. खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर उस हॉस्पिटल में गए थे, उन्होंने चेकआउट किया था, काफ़ी गड़बड़ियां वहां पर थी. और अब तो वो रेड लाइट पर रुककर एक कॉमन मैन का भी मैसेज दे रहे हैं कि वो कोई वीआईपी कल्चर उनको चाहिए नहीं. उसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में वीआईपी कल्चर भयानक है. आम आदमी की वहां कदर होती नहीं है. बड़े बड़े इलाज के लिए आम आदमियों को बड़ी लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ता है. और सचिन को तो निश्चित रूप से लापरवाहियां भुगतनी पड़ी, उसके परिवार को भी. सोमू, आप वहां मौजूद हैं इस वक्त पे अस्पताल में, कुछ और लोग आपके साथ हैं, परिवारजन वहां पर थे. विधायक हालांकि निश्चित रूप से पॉलिटिकल बात ही कहेंगे कि हम साथ हैं, हम साथ खड़े हैं. घटना होने के बाद राजनीति भी होगी. फिलहाल लोगों का वहां पर क्या रुख है अस्पताल में, अगर परिजन है तो जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए. जी देखिए, अभी बहुत से लोग उन विधायकों के पीछे गए हैं, लेकिन जहां पर अभी ये धरना चल रहा है, हम एक बार फिर से वहां जाने की कोशिश करते हैं और वहां जो लोग अभी मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या रुख है. क्योंकि देखिए, जो पूरा मामला है वो काफ़ी गंभीर मामला है. और इस मामले में हालांकि SMS अस्पताल के जो SMS के प्राचार्य हैं डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, उन्होंने ये कहा है कि हम एक मेडिकल बोर्ड जो हमने बनाया है उसके हिसाब से हम फिर कार्रवाई करेंगे. यहाँ पर अभी भी कुछ परिजन जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि उन अब तक जो कार्रवाई हुई है उस पर उनका क्या रुख है. अभी जितनी कार्रवाई हुई है, जो कुछ हुआ है उस पर अब आप लोगों का, एक बार खड़े हो जाइए आप थोड़ा, ठीक है. तो क्या कुछ अब जो आपको आश्वासन दिया गया है, जो बातें कही गई हैं, तो इससे कितना संतुष्ट हुए हैं आप? सर जी, अब तो काहे संतुष्ट नहीं है, कुछ भी संतुष्ट नहीं है. और काहे से मोह से बोलने को जा, वो चोरट को बुला दे. अभी तक कोई भी तो कोई 0% भी कोई संतुष्ट नहीं है कोई भी चीज की. FIR दर्ज हुई है, आप लोग मांग कर रहे थे, आपको ये कहा गया है कि नौकरी मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, आपको कोई उम्मीद नहीं दिखती अभी? नहीं, उम्मीद तो सब अभी तो कोई दिख नहीं रही है. FIR तो दर्ज होगी, लेकिन अभी और हमको कोई भी उम्मीद को दिख रही. हमको ये लग रहा है प्रशासन हमारे ठंडे पानी का छींटा देखे और हमको भेजने के चक्कर में लग रहा है. हमको ये लग रहा है. क्या करेंगे अभी, आप धरना आप समाप्त कर रहे हैं या फिर यहीं बैठेंगे? ये न्याय, यहीं बैठे रहेंगे. क्या न्याय, आपको क्या चाहिए अब जब FIR दर्ज हुई, उसके बाद अब आपकी क्या क्या मांगे हैं? सर एक तो कहीं चाहे, मतलब वो नौकरी की जो उसके घर बच्चे की माँ है ना, सरकारी नौकरी जो बच्चा हुआ तो खत्म होगा, भाई कौन कर सकता है, कितने खराब से सरकारी नौकरी जो हमारे बसो बांधी खून में. और जो जो भी मुआवजा है ना, जो भी ज्यादा से ज्यादा सरकार दे ना वह मुआवजा दे. एक बच्ची है जो उसकी निश्चित रूप से सोमू समझ सकते हैं. ये जो बिल्कुल पीड़ा का पल है उनके लिए, समझ सकते हैं वो इस घड़ी को. निश्चित रूप से एक इकलौता कमाने वाला था सचिन, बताया जा रहा है परिवार में. और उसका जाना किसी भी परिवार के लिए, किसी व्यक्ति का जाना हमेशा बड़ा नुकसान होता है. और इस दर्द भरे पल में निश्चित रूप से संवेदनाएं उनके साथ में हैं. सोमानी जी, मैं फिर से आपका रुख करूंगा एक बार. सरकार से उनकी मांग है कि उनको लग रहा है कि बस छींटे, जो ठंडे पानी के छींटे देकर उनको उठा दिया जाए और उनकी जो एक राहत है, उनको जो जो चला गया उनके परिवार से सचिन, वो तो लौट कर नहीं आ सकता. क्या लगता है आपको कि किस तरह से, आपने बोला कि बतौर पार्टी और बतौर सरकार हम उनके साथ खड़े हैं,
क्या आप वादा कर सकते हैं एनडीटीवी पर कि सख्त कार्रवाई होगी, इस एक्शन लिया जाएगा इस घटना को लेकर? देखिए, सख्त एक्शन के लिए कह दिया गया माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने, क्यों सर साहब ने इस बात को कहा है। दूसरी बात यह भी है कि जहां भी जिस भी स्टाफ के द्वारा, जिस भी कार्मिक के द्वारा, मेडिकल स्टाफ के द्वारा जो लापरवाही की गई है, उस लापरवाही के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा विषय और है कि ये जो बात कहना चाह रहे थे, इनके दुखद विषय है और इनके जो सचिन शर्मा इस दुनिया में नहीं है, उसकी उनके परिवार की या उनको परिवार की इसी कीमत तो चुका है सरकार के द्वारा, क्योंकि तो अमूल्य जीवन में दोबारा आ नहीं सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि ठंडे छीटे वाली बात नहीं है, सरकार पूरी तरह से इनके साथ है। और आप देखिए कि जब सरकार इस दुखद घटना के लिए, हमारे दो एमएलए वहां मौजूद है, बाल मुखदाचार्य जी और बांदीकुई से भी जो एमएलए हैं, और आप ऐसा नहीं कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, वहां एसएमएस में जिस भी कार्मिक ने जो बहुत भारी गलती की है, जिस जहां त्रुटि हुई है, उस त्रुटि के लिए जो जांच कमेटी है वो ये चेक कर रही है कि आखिर में किन किन अधिकारी जो है, नर्सिंग जो या डॉक्टर है, जो भी कहां कहां इनमें कहां इतनी बड़ी चूक हुई है कि किसी का जीवन ही खो दिया, तो उसको एक देखा जा रहा है। और रही इन्होंने की एफआईआर दर्ज करा दी, वो एक अलग विषय है, एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन सरकार जो भी इनको अधिक से अधिक प्रकार से इनके परिवार को सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जो की जा सकेगी, कि किस प्रकार से अधिक से की जा सकेगी, वो जरूर सरकार इस पे विचार करेगी। और सरकार ऐसा नहीं है, सरकार जब इतनी बड़ी गंभीरता से 25 दिसंबर को जब माननीय मुख्यमंत्री शपथ देने ग्रहण करने के बाद, जबकि ऐसी कोई घटना उस वक्त एसएमएस में नहीं हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सरकार आने के बाद, लेकिन कुछ चुनिंदा शिकायतों के देखने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं एसएमएस में गड़बड़ियां हैं। लेकिन इस बात का कहीं कोई दूर तक नजर नहीं आता कि इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो जाएगी कि एक युवा 23 वर्षीय सचिन शर्मा अपने जीवन को खो बैठेगा। और जबकि एक एक्सीडेंट के दौरान जब 12 फरवरी से इलाज शुरू हुआ, तब तो परिवार वाले ये सोच रहे थे कि एसएमएस से इलाज हो जाएगा और उनका पुत्र जो वापस सही हो जाएगा, लेकिन विधि की विडंबना रही कि ऐसी घटना हुई। और इन्होंने इस तरह के जो स्टाफ ने किया है, तो जरूर दोषियों को तो बख्शा नहीं जाएगा, बाकी परिवार वालों के साथ सरकार खड़ी है। और सर, विधि की विडंबना, विधि की विडंबना नहीं, बल्कि चित्तौड़गढ़ से जगदीश हमारे साथ मौजूद हैं, दर्शक हैं, वो भी कुछ बात। जी जगदीश जी, जल्दी से बात रखिए। हाँ जी, ये मेडिकल वाला जो काम है ना, वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें बदनाम किया जा रहा है। जी, किस चीज के लिए बदनाम किया जा रहा है? हाँ जी, किस चीज के लिए बदनाम किया जा रहा है? अरे, ये योगी जी का काम अच्छा, मोदी जी का काम अच्छा, और हमारे भजन लाल जी का काम अच्छा, फिर भी लोग परेशान। ठीक है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, किसी का काम अच्छा, एक जान गई है, मेडिकल सिस्टम की लापरवाही, उसको हम एनडीटीवी पर उजागर कर रहे हैं।